नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश हुजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी नए मुद्दे पर, आपको किसी नई खबर के साथ। आपको खबर देते हैं आज उत्तर प्रदेश से। अभी तक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते हैं RTOs के, और पेमेंट देनी पड़ती है, दलालों को पेमेंट देनी पड़ती है, या आपके बहुत अच्छे जुगाड़ हैं, तब आपके जुगाड़ सब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि अब RTO की तरफ से एक ऐसी स्कीम लागू कर दी गई है जो अगले महीने 15 तारीख से चालू हो जाएगी, जिसके बाद व्यक्ति के सभी जुगाड़ धरे के धरे रह जाएंगे। यानी जुगाड़ काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्कीम और जो प्लानिंग RTO की तरफ से की गई है उस स्कीम के बाद अब आपको बिल्कुल असली तरीके से, या आप यूँ कह सकते हैं कि बगैर किसी जुगाड़ के ही लाइसेंस प्राप्त करना होगा, सारे टेस्ट पास करने होंगे, क्योंकि जो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन कर दी गई है और अब लाइसेंस आएगा आपके घर पर। जी हाँ, खबर क्या है हम आपको बता दें, और खबर की तरफ लेने से पहले, चलने बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे आपके पास आती रहे ट्रांसपोर्ट जगत की महत्वपूर्ण और अच्छी खबरें, आपके काम की खबरें, जिससे आप अपडेट रहें और जान पाएं कि आखिर क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट जगत के अंदर हिंदुस्तान में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं, खबर क्या है। RTO कार्यालय से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था अगले माह की 15 तारीख तक बदल जाएगी। यह व्यवस्था पैन कार्ड सरी की होगी। जुगाड़ लगा हाथ के हाथ लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। RTO कार्यालय में आवेदक अपनी पूरी प्रक्रिया करेगा, उसके बाद DL परिवहन आयुक्त कार्यालय से सीधे प्रिंट कर पते पर भेजे जाएंगे। यानी आप प्रक्रियाएं पूरी करिए, लाइसेंस बनने के बाद आपको सीधे भेजे जाएंगे वहां पर जो आपका लाइसेंस है, आपके पते पर। आगे बता दें, क्या उनकी प्रिंटिंग और भेजने की व्यवस्था परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से तय की गई है, संस्था के मार्फत होगी, जो उन्होंने संस्था तय करी है उसी संस्था के थ्रू होगी। साथ ही उनकी जवाबदेही भी तय होगी, देर करने पर जुर्माना भी कंपनी पर लगेगा, इसके लिए कंपनी तय कर दी गई है। एक यहां पर अच्छी बात यह है कि पहले जो मामले लटके जाते थे, या आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से लाइसेंस आने में देर होती थी और इसकी कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको, अब पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो लाइसेंस आएगा उसकी तय सीमा होगी, और तय सीमा के अंदर अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता तो जुर्माना है। जुर्माना क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। स्मार्ट कार्ड DL योजना के लिए नई संस्था का चयन कर लिया गया है। स्थायी DL की प्रिंटिंग, आवेदन के पते पर डिस्पैच व डिलीवरी का काम संस्था द्वारा सेंट्रलाइज रूप से परिवहन आयुक्त कार्यालय से किया जाएगा। एक पत्र मुख्यालय से सभी RTO को भेजा गया है, जिसमें 28 मार्च तक बिजली कनेक्शन सहित जगह उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो आप यहां देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में यह स्कीम। अगर आप जुगाड़ से अब लाइसेंस बनाने की सोच रहे थे, या आपको ये लग रहा था कि बनवा लेंगे, आपका वहां के एजेंट्स के थ्रू कोई कॉन्टैक्ट है या पैसा देके बनवा लेंगे, तो ये स्कीम अब बदलने वाली है, क्योंकि अब इस स्कीम के तहत आपका लाइसेंस बनवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपको लाइसेंस सारी प्रक्रियाओं के बाद मिलेंगे आपके घर पर। 10 दिन में घर तक पहुंचाना होगा DL जो है लाइसेंस। आपको बता दें, लाइसेंस बन जाने के बाद प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदक के DL की प्रिंटिंग होगी, उसके बाद कंपनी को लाइसेंस आवेदक के घर 7 से 10 दिन के भीतर पहुंचाना होगा, अनिवार्य होगा। लेट होने पर ₹5 प्रतिदिन देना होगा उस कंपनी को जिसने जिम्मेदारी ली है लाइसेंस बनवाने की। अब आपको ₹25 भी नहीं देने होंगे लाइसेंस बनवाने के लिए। अब ये ₹25 कौन से हैं, आइए आपको वही बताते हैं। अभी DL प्राप्त करने के लिए आवेदक को करीब ₹25 का एक लिफाफा मय टिकट देना होता है, अब इसे जमा नहीं करना पड़ेगा। कंपनी एक सेपरेट कॉल सेंटर सिर्फ DL संबंधित काम के लिए बहुत जल्द स्थापित करेगी, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। तय समय पर DL न मिल पाने पर आवेदक अपनी शिकायत उस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। तो ये खबर है आपके लिए। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये स्कीम जो लाई गई है कि 15 अप्रैल के बाद से जो आप लाइसेंस अगर बनवाते हैं, तो उस लाइसेंस के लिए आपको एक तो ₹25 जो आपके एक्स्ट्रा लगते थे वो नहीं लगेंगे, साथ ही अब आपको जो देरी हो जाती थी वो नहीं होगी, साथ ही अब अगर देरी होगी तो ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से आपको वहां पर मिलेगा, या कंपनी का जुर्माना लगेगा। ये वहां पर प्रॉफिट है, यानी समय की बचत है, साथ ही साथ नुकसान उन लोगों के लिए जो जिनको ड्राइविंग ना आते हुए भी लाइसेंस बन जाते थे, क्योंकि प्रक्रिया होने के बाद अब वहां पर जुगाड़ तंत्र की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई है।
तो आज की खबर यहीं पर, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर किसी बड़ी खबर के साथ। जब तक के लिए मैं ब्रजेश आपसे इजाजत लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।